सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लों, एक नज़र मारदे हां हुण तक दे खास सुर्खियां ते। केंद्र सरकार वल्लों सौणी दीआं फसलां दे एमएसपी विच वाधे दा ऐलान। झोने दे घट्टो घट समर्थन मुल विच 143 रुपए प्रति क्विंटल दा वाधा। लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर संजीव जीवा का गोलियां मार के कतल। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता ब्रह्मा दत्त के कतल के मामले में दोषी से संजीव जीवा। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ वालों जंडियाला ग्रुप में शिकायत केंद्र का उद्घाटन। कहा लोगों की समस्यावां का हल सुखाला बनाने की कोशिशां जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने कई फसलों के एमएसपी यानी कि घट्टो घट समर्थन मुल में अज वाधा कर दिता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने वड्डा फैसला लिया। झोने के घट्टो घट समर्थन मुल में 7% वधाया गया है। अरहर की दाल, उड़द दाल, झोना और मक्की के घट्टो घट समर्थन मुल में वाधा किया गया। मंत्रिमंडल ने अरहर की दाल के घट्टो घट समर्थन मुल में 400 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा करने प्रवानगी दी है। मिली जानकारी अनुसार हुण अरहर की फसल का घट्टो घट समर्थन मुल 7000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इस तरह उड़द दाल के घट्टो घट समर्थन मुल में 350 रुपए प्रति क्विंटल के वाधे को मंजूरी दी गई, जिस तों बाद यह वध के 6950 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। मक्की के घट्टो घट समर्थन मुल में 128 रुपए प्रति क्विंटल, झोने के घट्टो घट समर्थन मुल में 143 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा करने को प्रवानगी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मशहूर भाजपा नेता ब्रह्मा दत्त के कतल के मामले में दोषी गैंगस्टर संजीव जीवा को लखनऊ की अदालत में गोली मार दी गई, जिस नाल उसकी मौत हो गई। पुलिस उसनों एक केस में पेशी लिए लखनऊ की अदालत में लेके गई सी। दसा जा रहा है कि जीवा को मारने लिए कातल वकील के भेस में आया से। लखनऊ के डीसीपी ने दसा कि अदालत में एक व्यक्ति ने गोलीबारी की। गोलीबारी में पुलिस अधिकारी और एक लड़की भी गोली लगन नाल जख्मी हो गई। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ वालों जंडियाला गुरु में शिकायत केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके उन्हें कहा कि शिकायत केंद्र की हालत बहुत खस्ता हुई पई सी। उन्हें कहा कि 25 लाख रुपए की लागत नाल बिल्डिंग तैयार की गई। इस मौके उन्होंने लोगों को अपील की कि वह बिजली चोरी ना करन। देखो अज जंडियाला शहर के साडा इत्थे बहुत पुराना एक शिकायत केंद्र सीगा जिहड़ा कि बहुत खस्ता हालत दे विच जा चुका सीगा। मैनूं याद आ कि असी भी जदों साडे कोल बिजली की प्रॉब्लम आउंदी सीगी ते असी भी इस सेंटर के आ के इत्थे रजिस्टर पिया हुंदा सीगा, इक उत्थे शिकायत जिहड़ी आ उह दर्ज करीदी सीगी। पर इहदी इन्नी हालत खस्ता हो गई कि जिहड़े साडे मुलाजम इत्थे बैठते सीगे उन्होंने बैठने वास्ते भी कोई जगह नहीं सी, और किसी भी जो साढ़े खपतकार अपनी कोई शिकायत दर्ज करवाएंगे उन्होंने वास्ते भी कोई जगह का जगह नहीं सी बैठने वास्ते। तो असी इनू अज जड़ा है दोबारा तो डिसमेंटल करके असी दोबारा नवा शिकायत केंद्र जंडियाला शहर वास्ते बना रहे हैं, और आने वाले 3 महीने के असी कंप्लीट कर देंगे। और ये क्योंकि पूरे बाजार के बड़ी यदि खस्ता हालत जी वैसे भी किसी भी वे बिल्डिंग देख सकती सी, कोई भी अनसुखावी घटना जी वापर सकती सी। सो असी 25 लाख रुपए की अमाउंट के नाल इनू दोबारा तो जरा बना जा रहे हैं ताकि जंडियाला शहर के खपतकार वास्ते कोई मुश्किल पेश ना। हाँ, इस तो इलावा असी बिजली घर के जड़ा मेन साडा हैगा बिजली घर सरां दे उत्ते सुविधा सेंटर जड़ा बना रहे हैं, आलमोस्ट तैयार ही हो गया। कुछ आने वाले कुछ दिनों के भी आप जंडियाले हल्के के लोगों को समर्थन करते हैं। चोरी को रोकने वास्ते जी बिजली की चोरी हो रही उन्होंने रोकने वास्ते किस तरह के जो प्रबंध ये मैं तो भी कहूँगा कि तुम भी साडा साथ दो बिजली थैफ्ट वास्ते, क्योंकि असी वैसे भी बिजली चोरी वास्ते जड़ा वो एक्शन लै रहे हैं। नाल दे नाल मैं लोगों को अपील भी कर रहा है कि ऑलरेडी
मान साहब की सरकार ने 600 यूनिट बिजली जी दो महीने की हर घर में फ्री कर दी है, तो चोरी करने की कोई लोड़ नहीं, पर फिर भी कुछ अंसर यहोजे समाज के आए हैं जिसे करके चोरी होती है। सो मेरी उन्होंने अपील आ कि वो ये काम जरा छड़ देन, नहीं तो फिर एक्शन जरा बने। पंजाब दे पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विभाग में नवे भर्ती किए गए 134 मुलाजमान नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब भवन में समागम दौरान कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने नवनियुक्त मुलाजमान वधाई देंदियां उन्होंने पूरी तनदेही और ईमानदारी काम करने लई प्रेरिया। उन्होंने कहा कि पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन तहत गरीब देहाती औरतों लई रुजगार के मौके उपलब्ध करवाए जाते हैं और PSRLM स्कीम पिंड पद्धर उत्ते सुचजे ढंग नाल लागू करन अते लोड़वंद औरतों नूं जागरूक करन लई इन्हां कर्मचारियों का विशेष योगदान हुंदा है, इसलिए वह अपनी ड्यूटी मिशनरी भावना नाल निभाउण। पंजाब दे रोजगार उत्पत्ति हुनर विकास अते सिखलाई विभाग वल्लों सूबे दे सारे जिलों में करवाई गई प्लेसमेंट मुहिम विच नौकरी हासिल करन लई तकरीबन 11268 चाहवान नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मुहिम दौरान नौकरियां हासिल करने नौजवानों में भारी उत्साह देखने को मिला। प्लेसमेंट मुहिम को सफल करार देते पंजाब के रोजगार उत्पत्ति हुनर विकास और सिखलाई मंत्री अमन अरोड़ा ने दसा कि सूबे के नौजवानों में अथाह समर्था है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार नौजवानों रोजगार के मौके प्रदान करने वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि होनहार नौजवानों के विदेश जाने के रुझान ठल पाने इस तरह प्लेसमेंट मुहिम समय की लोड़ ने। जिला गुरदासपुर के सरहदी पिंड धर्मकोट रंधावा में लगाए गए आबाद कैंप में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित विशेष तौर पर पहुंचे और सरहदी पिंडां दे सरपंचां अते विलेज डिफेंस कमेटी के मैंबरां दे रूबरू होए। इस मौके उन्हां नाल पंजाब के मुख सकत्तर पंजाब के DGP अते होर आला अधिकारी मौजूद रहे। उत्थे राज्यपाल वल्लों सरहदी पिंडां दे सरपंचां अते मुतबर व्यक्तियों नूं संबोधन हुंदिया कहा गया कि पंजाब सरहदी सूबा होने के कारण सुरक्षा के लिहाज तो बहुत अहम है। उन्हें कहा कि गुआंढी देश पाकिस्तान हमेशा ही पंजाब अते देश विच गड़बड़ करने की फिराक में रहता है ते अजकल नशा तस्करी नूं हुलारा दे रहा है। लोगों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, उनकी कुछ जो प्रॉब्लम है वो हम सोल्व करेंगे जी। हमारे साथ में हम आए हैं जी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, DGP साहब भी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे राजभवन के हैं, तो जो भी प्रॉब्लम मिली हैं जी उनको सोल्व करेंगे। मेन चिंता है कि जो ड्रोन वगैरह आ रहे हैं जी, उनसे जो ड्रग्स है जी, तो हमने मुझे खुशी है इस बात की, जब मैं पहले आया था तो मैंने सजेशन दिया था जी कि हर गांव में सुरक्षा समिति बने जी, तो हमारे यहाँ के DC उन्होंने खबर दी है, वेरी एक्टिव ये DC बहुत अच्छा काम किया इन्होंने DC साहब ने, और हर गांव के अंदर 11-11 मेंबर की जी उन्होंने सुरक्षा समिति बन गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पानीपत और करनाल दिया जिला परिषदों के नवे चुने गए जनप्रतिनिधियों लिए आयोजित जन पछाण प्रोग्राम को संबोधन किया। इस मौके उत्ते करनाल के संसद मैंबर संजय भाटिया के चेयरमैन सोनीपत और करनाल जिला परिषद मौजूद रहे। इस मौके उन्होंने कहा कि जीवंत लोकतंत्र जमीनी पद्धर तो शुरू होता है, पंचायती राज भारतीय लोकतंत्र की मूल नींव है। भाई बलवंत सिंह राजवाणा की भैन कमलदीप कौर राजवाणा वालों सोशल मीडिया उत्ते एक पोस्ट पा के जदर श्री अकाल तख्त साहब ने एक अपील की गई है। इस अपील में भाई राजवाणा ने श्री अकाल तख्त साहब के जदर को श्रोमणी कमेटी राही केंद्र सरकार को लंबे चिरों तो पेंडिंग पई उम्र कैद की दरखास्त को वापस लैण लई आदेश देण नूं कहा है। भाई राजवाणा ने चिट्ठी में कहा कि 6 जून को घल्लूघारा दिवस से जदर साहबान वालों जो संदेश कौम को दिता गया उस विच उन्हें कहा कि सानू सरकारां तो झोली अड के इंसाफ मंगण की लोड़ नहीं है। इस उत्ते प्रतिक्रम दिंदिया भाई राजवाणा ने कहा कि हुण जेकर असी सरकारां तो इंसाफ मंगना ही नहीं तो यह बहुत जरूरी है कि इंसाफ लई किते भी कोई अपील ना की जाए, इसलिए उन्हें जदर साहब नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं यह आदेश जारी करन की अपील की है कि 2012 तो केंद्र कोल पई दरखास्त नूं वापस लै लिया जाए। राजवाणा की भैन कमलदीप कौर राजवाणा वालों सांझी की गई इस पोस्ट उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्र गुरचरण सिंह गरेवाल ने भारत सरकार को दोषी करार दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में जल्द तो जल्द हल करने की गल कही है। पंथक हल्के लिए सब तो वड्डी खबर है भाई बलवंत सिंह राजवाणा वालों एक चिट्ठी जी श्री अकाल तख्त जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह भेजी गई है, जो कि उन्होंने भैन बीबी कमलजीत कौर वालों सोशल मीडिया के पेज के उपर जी है साझी की गई है। तुम तस्वीर दिखा दी असी केंद्रीय जेल पटियाला बिल्कुल बाहर खड़े हाँ,
लंबा समा हो गया भाई बलवंत सिंह राजूआणा जड़े ने वो इस जेल दे विच सज़ा कट रहे ने। जानकारी सांझी कर दिए जड़ी चिट्ठी जड़ी है भाई बलवंत सिंह राजूआणा वालों इस केंद्रीय जेल तो भाई उन्हां दी भैण बीबी कमलजीत कौर नूं दित्ती गई है ते श्री अकाल तख्त दे जथेदार साहब नूं दित्ती गई है, जिहदे विच खास तौर पर इंसाफ की गल की गई है। तो उन्होंने कहा कि लंबा समा हो गया भाई बलवंत सिंह राजूआणा जड़े ने वो केंद्रीय जेल के बंद ने, तो उन्होंने जी सुनवाई है वो अजे तक केंद्र सरकार वालों नहीं की जा रही। तो नाल ही उन्होंने क्योंकि लंबे समय तो जो बंदी सिंह ने वो जेलों के बंद ने, तो कुछ जो बंदी सिंह ने वो लगातार रिहाई तो यानी कि बाहर आ रहे हैं, तो उसके नाल उन्होंने एक दर्द जोड़ा है भाई बलवंत सिंह राजूआणा का वो झलकता नज़र आया। तो उन्होंने कहा कि जोड़ा बीते दिन ही श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने सिख कौम के नाल एक संदेश जारी किया, जिदे खास तौर पर लिखा गया कि सरकार तो सानू झोली अट के इंसाफ मंगने की लोड़ नहीं है, सिख पंथ जोड़ा एकजुट होकर इकट्ठे होने की जरूरत है। तो इस दे संदर्भ दे विच भाई बलवंत सिंह राजूआणा ने एक चिट्ठी दे विच श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं अपील की है कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपील पाई गई है सरकारां दे अगे, तां उसनूं वापस लिया जाए। जेकर तुसीं कह रहे हो कि सरकारां अगे सानूं झुकण की लोड़ नहीं है, इंसाफ मंगण की लोड़ नहीं है, तो सरकारां कित्थों जड़िया इंसाफ दे सकदियां ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों ने गुरुद्वारा रिकाबगंज साहिब विच अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया, जिस दौरान उन्होंने दसा कि दिल्ली कमेटी दी वैदिक संस्थाओं में पढ़ रहे बच्चों लिए कैरियर काउंसलिंग सैल भल के गुरुद्वारा रिकाबगंज साहब के कमेटी दफ्तर में खोलिया जाएगा। उन्हें कहा कि विद्यार्थी इसका वध तो वध लाभ लैण अते भविख विच कामयाब होण। वख-वख इदारियां दे वख-वख विद्यक संस्थावां जिहड़ियां साडियां चल रही है उन्हां दे विच अपनियां माइलस्टोन्स अचीव कर रही है, उहदे नाल नाल जद असीं अपने बच्चों के इन्ने वधिया रिजल्ट लैके आउंदे आ और रिजल्ट तो आने तो बाद उन्हां नूं प्रोपर तरीके दे नाल एडमिशनस नहीं मिल पाती, उन्होंने प्रोपर तरीके दे नाल प्लेसमेंट्स नहीं हो पांदियां, उहदे लई अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की समुची टीम ने फैसला लेंदे हुए अज गुरद्वारा साहब के इस ऑफिस के विच इत्थे कैरियर काउंसलिंग सैल ओपन करन जा रहे आ, जिहदी शुरुआत कल सवेर तो होनी है और यह सैल जिहड़ा है खास तौर पर उन्हां पेरेंट्स वास्ते उन्हां बच्चों वास्ते यह शिक्षा देगा जिहड़ियां उन्हां दे कैरियर नूं अगे वधाउण वास्ते जिहड़े इंस्टीट्यूट्स वह किहड़े कॉलेजां दे विच एडमिशन लै सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पिछले साल जिहड़ा यूनिवर्सिटी ने नवे नॉर्म शुरू किए जिहड़ी आ CUET खास तौर पर जिहदे उत्ते उन्होंने इंप्लीमेंट की है कि जिहड़ी सरकार वालों जिहड़ी UGC दी खास तौर पर हैगी है कि कॉमन जिहड़ी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टैसट लिया जाता है वो जिहड़े CBSE दे बोर्ड के रिजल्ट आते हैं इन्हां सारयां नूं जोड़ के जिहड़े उहदी रैंकिंग आती है उहदे आधार के उत्ते जिहदे बारे खास तौर पर मैं कह सकदा कि जिथे बच्चों भी नहीं पूरी ज्ञान उन्हां दे पेरेंट्स नूं भी नहीं पता और ज़्यादातर मैं कह सकदा कि स्टाफ नूं भी स्कूलों के इस बारे नहीं पता हुंदा कि असीं अपने बच्चों नूं की गाइड कर सकते हैं, उहदे लई इत्थे अज एक स्पैशल सैल खोलिया जा रहा है ताकि जिहड़े भी साडे भैण भरा जिन्हां दे बच्चे अज 12वीं क्लास पढ़न तो बाद खास तौर पर अपने नवे जिंदगी का पड़ाव शुरू करना चाहते हैं, भावें वह मैडिकल दे विच लाइन लैना चाहन, भावें वह इंजीनियरिंग लैना चाहन और जिहड़े जिहड़े विद्यक अदारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चला रही है वह भावें ITI दे होण, भावें BEd कॉलेजेस होण, भावें साडे मैनेजमेंट दे कॉलेज होण, जिहड़ियां भी IP यूनिवर्सिटीज़ नाल कनैक्टिड ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी नाल कनैक्टिड ने, इन्हां सारयां दे विच किस तरीके दे नाल एडमिशन ली जानी है और तुहाडे कैरियर नूं बनाउण वास्ते किहड़े प्रोफेशनल जिन्हां बच्चों के नंबर घट आउंदे आ और वह पढ़ाई छड्ड दिंदे ने उन्हां वास्ते किहड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट विच बेस्ट जिहड़ा उन्हां नूं ज्ञान दिता जा सके कि उत्थे उन्हां दी लाइफ का अगला स्कोप जिहड़ा है वह कर सकन, जिहदे नाल अपने बच्चे अपना लाइफ का कैरियर बना सकन। ये सारा सिस्टम जिहड़ा अज गुरद्वारा रकाबगंज साहब का जिहड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है इहदे विच अगले 2 महीने वास्ते शुरू किया जा रहा और ये 2 महीने तो बाद क्योंकि इस वक्त एडमिशन का रश है ये परमानेंट सैल जिहड़ा है वह साडे AC बिल्डिंग दे विच बनाया जाएगा जिहदे विच परमानेंट स्टाफ साडा डिप्यूट किया जाएगा जिहड़ा आने वाले समय के जद कभी भी किसी बच्चों लोड़ पवे ये सारे काम असी कर सकी है।
मैं समझदा कि जिथे गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने इंस्टीट्यूट चला रही है वो सब तो वड्डी अहम जिम्मेवारी है कि असी अपने बच्चों नू ज़्यादा तो ज़्यादा प्लेसमेंट्स दवा सकीए, ज़्यादा तो ज़्यादा एडमिशन्स। पिछले साल बहुत वड्डा दुखांत होया कि जिथे एडमिशन्स नू लैके उत्थे कई बच्चों नू इहदे फॉर्म भरने नहीं आउंदे सी, और बीइंग अ मिनोरिटी स्टेटस असी कित्थों कित्थों अपने मिनोरिटी दे फैसिलिटीज अवेल कर सकदे आ, ये सारा करना करन वास्ते इस सैल नू खास तौर पर बनाया गया। अपने बच्चों नू जिथे असी एजुकेट करन दी गल कर रहे हां, गुरमत के जिहड़े कॉलेज साडे कोर्सिज चल रहे ने उहदे बारे भी तुहाडे नाल सरदार जगदीप सिंह कालू हुणे गल करनगे। सो मैं अज तुहाडे माध्यम तो सारे उन्हां पेरेंट्स नू बेनतियां करांगा कि जिन्हां नू भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो आके साडे नाल इत्थे साडे सैल तो अपना लाभ लै सकते हैं। और इत्थे जिहड़ी साडे डिप्यूट की गई है डॉक्टर मनजिंदर कौर जिहड़े डीन ऑफ साडे मैनेजमेंट कॉलेज के ने, इत्थे इहनू आप सारा मोनीटर कर रहे हैं, और उहदे उत्ते साडे जिहड़े सारे कैपेबल जिहड़ा स्टाफ इत्थे बिठाया गया यूनिवर्सिटी तो और अपने कॉलेजेस तो और अपने मैनेजमेंट कॉलेज तो इत्थे सारे जिहड़ी इस चीज़ की पूरा फीडबैक लैके बैठनगे कि तुहाडे बनते हुए बच्चे नू किहड़ा बेस्ट तो बेस्ट कोर्स दिता जाए, इस चीज़ का उत्ते ध्यान रखने वास्ते स्पेशल ये सैल का उद्घाटन किया है। और तुसी सारयां नू बेनती है कि अपने बच्चों के वास्ते किधरे कोई चूक ना रह जाए, तुसी इहदियां जो फैसिलिटीज़ वध तो वध अवेल कर सकते हो जरूर करो। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कैरियर काउंसलिंग सैल जिहड़ा शुरू किया गया है, मैं समझदा कि इस दी बहुत जरूरत सी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हां नू ये समझ नहीं होंगी कि अगे ट्वेल्थ तो बाद उन्होंने की करना है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लै भी लिया हों तो फिर उसकी की फॉर्मैलिटीज़ है। जिमें दिल्ली यूनीवर्सिटी ने लास्ट ईयर CUET ऐड किया तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए, बहुत सारे बच्चों की एडमिशन हो सकती सी लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि वो CUET अपीयर नहीं कर सके। इस तरह के होर बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन आते हैं। सो असी महसूस करते हैं कि बच्चों को गाइडेंस बहुत जरूरी है, उस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखदे हुए ये डिसीजन लिया गया। और ये जिस तरह प्रधान साहब ने दस्या कल तो साडा ये सैल जिहड़ा फंक्शनिंग शुरू कर देगा, इहदे विच सारे साडे दिल्ली यूनीवर्सिटी के कॉलेजेस और साडे जिहड़े इंस्टीट्यूट्स है वह सारी जगह के उत्ते जो एडमिशन होनिया उस दी बकायदा गाइडेंस जिहड़ी बच्चों नूं दित्ती जाएगी। इस दे नाल नाल ही गर्मियां दीआं छुट्टियां दे विच एक बहुत इसका जो टाइमिंग्स होणगे वह सवेरे 10 बजे तो लैके और दुपहरी 3 बजे तक होणगे। 10 तो 3 दे विच बच्चे आके अपनी जो भी उन्हां दे डाउट्स है, जो क्लैरिफिकेशनस है, जां गाइडेंस जो भी उन्होंने लैनी है वो आके साडे इत्थे अलग अलग काउंटरस बने हुए है हर एक कॉलेज के, वो आके इत्थों अपनी सलाह मशवरा कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही अहम जानकारी है कि पिछले साल दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गर्मियां दीआं छुट्टियां दे दौरान जो गुरमत दे कैंप लगाए गए सन उस विच बहुत वड्डा हंगारा मिलिया सी, और सानू पेरेंट्स तो भी लगातार ये कॉल आ रही सी कि इस वारी जिहड़े बच्चे पिछली वारी जिस इलाकों के नहीं कैंप लगे सी उन्हां इलाकों के भी कैंप लगाए जान। सो साडे धर्म प्रचार चेयरमैन सरदार जसप्रीत सिंह करम सर उन्हां दी सारी टीम ने मिल के उपराला किया, और इस साल करीब करीब 100 तो उपर जिहड़े कैंप है गुरमत दे कैंप है अलग 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 इलाकों के दिल्ली के लग रहे हैं, और साढ़े कोल इन्नी वड्डी गिनती दे विच बच्चियां दे नाम आ चुके आ कि लास्ट ईयर सानू एक दिन दे विच असी फाइनल जिहड़ा प्रोग्राम कीता सी भाई लखी शाह बंजारा हाल दे विच वो हुण एक दिन दे विच करना संभव नहीं है, इन्ने ज़्यादा नाम बच्चियां दे आ चुके आ। हो सकदा असी उन्हों डिसाइड करके और 2 दिन दे विच करिए, लेकिन एक गल पक्की है कि जो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले साल कोशिश की उसका बहुत अच्छा हंगारा मिलिया, और इस वारी पेरेंट्स के भी और बच्चों के बहुत ज़्यादा उत्साह है। सो इस तो सानू लगता है कि साडे धर्म प्रचार कमेटी साडे जो कोशिश हैं उसनू गूर पै रहा है, और बच्चे इस गल नू महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो काम कर रही है उस दे विच शामिल हो के लाहा लिया जाए, अपने बच्चों नू सिक्खी दे नाल जोड़िया जाए। सो इहदे च सानू बहुत जिहड़ा पॉजिटिव हंगारा संगत वालों मिल रहा है। सो मैं जिहड़े अजे भी रह गए आ, क्योंकि सानू कोई इस गल की लिमिट नहीं कि किन्ने बच्चे होने चाहिए जां किन्ने कैंप होने चाहिए आ, जिन्हां इलाकों के अजे भी कोई कैंप की नहीं लगा सके मैं उन्होंने भी बेनती करांगा कि वह भी अपने इलाके अप्रोच करके साडे धर्म प्रचार कमेटी नूं चेयरमैन साहब नूं जां होर कमेटी के जिहड़े साडे अहुदेदार है उन्होंने संपर्क करके और कैंप जरूर लगाउण।
अपना पंजाब फाउंडेशन वालों दुबई में एक सम्मेलन करवाया गया। डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी की अगवाई में करवाए गए सम्मेलन में अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं ग्लोबल प्राइड अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। पेशस बाबत साडे रिपोर्ट। अपना पंजाब फाउंडेशन जो कि सेहत सिक्ख्या ते वातावरण की संभाल लई काम कर रही है वलों फाउंडेशन दे फाउंडर डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी की सरप्रस्ती हेठ दुबई में एक विशेष सम्मेलन करवाया गया। इस सम्मेलन दौरान मीडिया जगत की प्रसिद्ध नामी शख्सियत पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं ग्लोबल प्राइड अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। जदों के श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों राही करीब अद्धी सदी तो दिती जा रही सिक्ख्या बच्चों नूं सिख विरसे नाल जोड़न लई कीतियां गईयां सेवावां समेत सिक्ख्या जगत विच दिते जा रहे विशेष योगदान बदले सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी नूं ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिता गया। सम्मेलन की जानकारी दिंदे हुए फाउंडेशन के डायरैक्टर अनिल मित्तल संजय गुप्ता भुपेंद्र सिंह जोहानल मैथ्यू और संजीव सैनी ने दसिया कि इस सम्मेलन में भारत तो इलावा कैनेडा ऑस्ट्रेलिया USA दुबई और होर वख वख देशों तो डेलीगेट शामिल हुए। फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसीएशन ऑफ पंजाब इस सम्मेलन में सहयोगी रही। इस मौके संबोधन करदिया सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि पंजाब फाउंडेशन सारी दुनिया में पंजाब ते पंजाबीयत की प्रफुल्लता लई काम कर रही है। उन्हें कहा कि अक्तूबर में जो दुबई में सरदार सुरेंद्र सिंह कंधारी प्रधान गुरद्वारा गुरु नानक दरबार दुबई की अगवाई में सिख सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन की सफलता लई अपना पंजाब फाउंडेशन वालों योगदान पाने उत्ते खुशी प्रगट की जाती है। इस सम्मेलन में दुबई के राष्ट्रपति विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। उन्हें कहा कि इस सम्मेलन में देशों विदेशों तो सिख शख्सियत जो उद्योग व्यापार और होर वख खेत्रां विच अपना नाम चमका चुकिया ने एकत्र हो रही ने। सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने इस समागम की सफलता लई समूह आयोजकों नूं मुबारकबाद दित्ती। इस सम्मेलन में 21वीं सदी में दिती जाने वाली सिक्ख्या के विषय को लेकर वख वख स्पीकर ने संबोधन किया। इस मौके शेख सुल्तान बिन नासिर बिन हुमैद रशीद अल नुआमी इनवैसटमेंट LLC दुबई श्री जतेंद्र वैद्या प्रधान इंडियन पीपल्स फोरम UAE सरदार सुरेंद्र सिंह कंधारी चेयरमैन गुरु नानक दरबार गुरद्वारा के चेयरमैन LWV ग्रुप विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होए। डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी ने सम्मेलन के की नोट्स के स्पीकर वजों रोल निभाया। उन्होंने वालों भविख लिए एजुकेशनल रोडमैप का जिक्र किया गया जिस विच संस्थावां नूं आउटकम बेसिस एजुकेशन लई प्रेरित किया गया। इस मौके NID फाउंडेशन के चीफ पैटर्न सरदार सतनाम सिंह संधु विशेष तौर पर शामिल होए और NID फाउंडेशन वालों 29 एजुपनियोरस नूं उन्हां दे सिख्या जगत विच निभाईआं जा रहीआं सेवावां बदले ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड नाल सन्मानित किया गया और 53 एजुपनियोरस और एजुकेटरस नूं सिख्या सम्मेलन में उचेचे तौर पर भाग लैंदे हुए सम्मेलन में अपना योगदान पाने बदले अवार्ड ऑफ ऑनर नाल सन्मानित किया गया। इस मौके फाउंडेशन के डायरैक्टर्स नूं इस सम्मेलन नूं करवाउण विच सहायता वजों 6 ग्रैटिफिकेशन अवार्ड दिए गए। इस सिक्ख्या सम्मेलन दौरान तैयार किए गए एजुकेशनल रोडमैप नूं पंजाब दीआं सिक्ख्या संस्थावां विच लागू किया जाएगा। पटियाला विच डिप्टी कमिश्नर दफ्तर अगे किसानों ने अपनी मंगा नूं लैके रोस प्रदर्शन किया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर किसानों वालों नारेबाजी की गई। इस मौके भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के आगुओं ने केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार नाल जुड़ियां मंगां नूं लैके एक मंग पत्र ADC पटियाला नूं सौंपिया। साडियां अज दीआं जिहड़ियां मंगां ने कुछ सेंटर सरकार नाल संबंधित ने ते कुछ साडियां सूबा सरकार नाल संबंधित ने। सेंटर नाल साडी जिहड़ी वड्डी मंग अज भलवान कुड़ियां ने जिहड़ियां जंतर मंतर ते 1.5 महीने के लगभग बैठिया ने उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई ते बिरज भूषण नूं गिरफ्तार कराउण दे लई साडी वड्डी मंग आ। ते दूजा वड्डा मुद्दा साडा अज पाणी वाला हैगा जिहड़ा पाणी सरकार साडे पंजाब कोलों खोह के दूजियां स्टेटां नूं दे रही आ। असीं मंग करदे आ कि रिपेयरन ला दे मुताबक साडा पाणी आ जिहड़ा उह पंजाब नूं दित्ता जावे ते पंजाब तों जिहड़ा कोई दूजी स्टेट लैंदी आ उहदा जिहड़ा मुआवजा ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਲੈਣ ਲਈ SFJ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ
उसकी कुटमार की सी। पीड़ित सुशील जिंदल की शिकायत उत्ते पुलिस ने कार्रवाई अमल में लिया है। सुशील ने इस कार्रवाई लिए पुलिस की शलाघा की है। उधर बठिंडा के SSP गुलनीत सिंह खुराना ने कहा है कि दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इन्होंने पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश की सी। लगभग 3 to 4 महीने हो गए उस समय संदीप पाठक अश्विनी शुक्ला और रजिंदर कालिया ने मेरे से जानलेवा हमला किया दफ्तर के बड़े प्यार बुला के और मैनू सिख फॉर जस्टिस के पोस्टर लाने लिए उकसाया जा रहा है कि 2 लाख रुपये देवे साडे घर के नज़दीक पोस्टर लगा दे क्योंकि अजनाला की घटना जी हुई सी ताज़ी ताज़ी हुई सी इन्हों कि सू सिक्योरिटियां वज जाएगियाँ और मैं इन्हों मना किया तो इन्होंने मेरे से जानलेवा हमला किया। मैं प्रशासन को यह गल बड़े तरीके दसी कि मेरे नाल इस तरह की घटना हुई है परंतु प्रशासन ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया 323, 506, 342 लगा के परंतु उस तो अगलेरी कार्रवाई हले तक नहीं हो पा रही थी जिन्हों लैके कई बार इन्हें मैं मतलब टॉर्चर किया मेरे ते मैनू मारन की साजिश भी की ठीक है जिन्हों लैके मैं लगातार प्रशासन को बेनती करता रहा प्रशासन को चेता रहा भी कि मेरे नाल कोई भी हादसा हो सकता ये वालों परंतु कल बीते दिन प्रशासन ने हरकत चाहते होया जुर्म च जो वादा किया मैं प्रशासन का तह दिलों धन्यवाद करता। एक सानू एक कंप्लेंट जी सुशील कुमार जिंदल वालों मिली सी जिदे तहत मुकदमा नंबर 51-28-2 परचा दर्ज होया उन्होंने जोड़े है लाए थे एलीगेशन कि ये वालों ब्लाक करके कुटमार की गई हैगी है और उस तो इलावा वो को पोस्टर्स वगैरह लगाने वास्ते डिमांड की सी और कुछ पैसों का भी वे जिक्र आया सी कि साड़ा केस अंडर इन्वेस्टिगेशन तस्दीक असं वादा जुर्म किया है 153-116 का और वो तहत ही जोड़ा है संदीप पाठक रजिंदर कालिया अश्विनी शुक्ला गिरफ्तार किया गया। एलीगेशन कि जो SFJ के रेफरेंडम के जो पोस्टर होंगे ने यह लगवा करके आप ही यहोजा माहौल क्रिएट करता है कि इन होर गनमैन सुरक्षा वगैरह मिल सके तस्दीक भी जो है वह फैक्ट्स करैक्ट पाए गए तो वादा जुर्म किया गया है। हम अब पेश करा करके आप रिमांड ले रहे हैं फिर अगली पूछगिछ करा रहे हैं अमृतसर के गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच एयरपोर्ट के बाथरूम गंदगी नाल भरे नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल करने वाले शख्स ने इस मामले में लेके अमृतसर तो संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला ने अपील की कि वह केंद्र सरकार नाल गल करन ते मसले का हल करवाउण। उन्हें कहा कि जेकर अजिहे हालात रहे तो अमृतसर एयरपोर्ट उत्ते कोई भी NRI नहीं आवेगा। कहना तो मैं यही चाहागा जी कि गुरु रामदास जी नाम के उपर एयरपोर्ट का नाम आ ते कल मैं अपने चाचे के बेटे नूं छोटा बेटा सी चाचा जी का उन्होंने मैं ड्रॉप कर रात लगभग 11:30-12 बजे उनकी फ्लाइट सी रात की तो मैं 11:30-12 बजे ड्रॉप कर गया। जब मैं ड्रॉप कर गया गड्डी पार्क करके तो फिर मैं उत्थे किसी अधिकारी ने पूछा कि मैं वॉशरूम जाना तो उन्हें मैं इशारा किया कि वॉशरूम इस साइड पर आ ठीक है जी। मैं उत्थे वॉशरूम जदों गया तो वॉशरूम करना की सी उत्थों दे हालत वेख के उत्थे हालात इदां दे बद तों बदतर सी कि वह मैं शब्दां च बयान नहीं कर सकता। मेरे हिसाब नाल 4-4 इंच उत्थे पानी खड़ा सी उहदे विच जी टॉयलेट सीट्स जिहड़ियां सी उह बिलकुल गंदियां सी उहनां दे विच फ्लश तक दा इंतजाम नहीं हैगा कि फ्लश कर दईए मतलब मैं नहीं उत्थे रुक सकदा। तो मैं फिर वह वीडियो रात बना के रात ही वायरल की। मैं ये कहना चाहना एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह पूछना चाहना कि असी एक नागरिक हाँ इतों के तुम सू फैसिलिटियां दोगे तो ही इतने जो पंजाब वासी दूरों दूरों आते हैं वह इतने आके एयरपोर्ट तय करे नहीं तो फिर उन्होंने कई तो दिल्ली भी लागे पीता वा तो आप जे एयरपोर्ट के उत्ते योजना चीज़ा नहीं चंगिया कर फिर मैं समझदा भी ये कितना कि प्रशासन का तो पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी आ रोल आ। तो मैं यही चाहना कि एक बाथरूम की गल नहीं एक वॉशरूम की गल नहीं उत्थे जिहड़े अधिकारी वह भी मिसबिहेव करते सिक्योरिटी वाले भी मिसबिहेव करते राती साडा सिक्योरिटी वाले ने भी मिसबिहेव किया साडी फैमिली पूरी नाल सी सो उहदे वल भी ध्यान दिता जाए। मैं बेनती करदा साडे मानयोग अमृतसर तो MP साहब श्री सरदार गुरजीत सिंह जी औजला साहब उन्होंने उन्होंने ध्यान से लाना चाहना कि वह सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप पुरी जी के नाल राबता करके ज आप विजिट करके उत्थे वेखण क्योंकि एक बहुत गंभीर मसला वा NRI भी आते हैं तो NRI जिदा के वो वॉशरूम है NRI तो मेरे हिसाब न बिल्कुल ही उधर मूव नहीं करेंगे।
जिला जलंधर दहाती की पुलिस वालों लुटा खोह करने वाले 13 मैंबरी गिरोह के 8 मुलजमान काबू किया गया, जिन्हों पासों 2 पिस्तौलों समेत एक जिंदा राउंड लुटते पैसों तो खरीद किया हो। एक वीवो फोन, एक सोने की मुंदरी, 5 मोटरसाइकिल, 1,80,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारी ने दसा कि मुलजमान खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई अमल में लिया जा रही है। 29/5 शशि भूषण ने नूर महल के जो बर्तना का काम करते हैं उन्होंने घर दिने तकरीबन 1 बजे जोड़े 4 बंद ने एंटर हो के एक डकैती की सी, जिस दे संबंध में उत्थे साड़ी जलंधर रूरल की टीम ने उत्थे पहुँच के जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की उहदे विच एस पी मनप्रीत हुणां नूं नाल साढ़े पुष्प बाली हुणी सब इंस्पैक्टर नाल एस एच ओ नूरमैल तो डी एस पी नकोदर जिहड़े ने इन्हां दे तहत जिहड़ी एक टीम बनाई गई जिन्हां ने बड़ी मेहनत नाल काम करके सारी इन्वेस्टिगेशन नूं जिहड़ा इहदा भांडा भन्निया और ये पता लगा भी 13 मैंबरी जिहड़ा ग्रोह सीगा इन्हां ने सारिआं ने मिल के ये सारे वारदात नूं अंजाम दित्ता सीगा, जिहदे विचों 8 बंदे असी जिहड़े अजे अरैसट कर ले ने ते 5 बंदे जिहड़े ने ओह वांटड ने अजे स्टिल वांटड है और इन्हां दे कोलों असी 1,80,000 रुपया, 5 मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल, एक इन्हां ने लुट दे पैसे दे नाल फोन खरीदिया सीगा वो रिकवर कर लिया असी और टोटल तकरीबन मदई के दसन मुताबक भी 4,70,000 रुपया सीगा जो इन्होंने 12 हिस्सों के बराबर बराबर वंडिया 39,000 रुपया जिसों असी 1,80,000 रिकवर किया। डी एस पी अटारी प्रवेश चोपड़ा के निर्देशों मुताबिक थाना लोपोके की पुलिस वालों 4 किलो अफीम समेत 2 मुलजमान काबू किया गया। पुलिस अधिकारी ने दसाया कि इंद्रजीत सिंह, गुरदेव सिंह और एक महिला काबू किया गया जिन्हों पासों 4 लाख रुपए की ड्रग मनी, 32 बोर्ड का वैपन और 2 लाइसेंस बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि असला लाइसेंस जाली पाए गए हैं। उन्होंने भी कहा कि मुलजमान खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जा रही है कि एस एच ओ करिंडा जो नाल बैठे ने इन्हें टीम ने बड़ा अच्छा काम किया तो 4 किलो अफीम पकड़ी सी उन्होंने बंदे कलों जो काफ़ी समय तो यह नशे का कारोबार कर रहे थे जिसमें इंद्रजीत सिंह एक लड़का फड़िया गया, गुरदेव सिंह पकड़िया गया और एक रजिंदर सानू राकेश कुमार जिहड़ा अब्सकॉन्डेड है सो उन्हां दे नाल रजिंदर की जिहड़ी वाइफ है वह भी नाल काबू आई मनप्रीत कौर उन्हां दे कोलों सानू 4 किलो अफीम मिली है, इस तों अलावा 4 लाख रुपया ड्रग मनी मिली सानू उन्हां कोलों, वैपन मिलिया जी 32 बोर्ड का, 2 लाइसेंस मिले तो जदों असी लाइसेंस नूं चैक कराया तो लाइसेंस भी जिहड़े फेक मिले उस संबंध में फिर जिहड़ी बंदी सैक्शन है 467-68 वी ऐड करती गई हैं सो उन्हां दोषियों नूं असी कोर्ट च पेश करके उन्हां दा 5 दिन दा रिमांड लिता। रिमांड के दौरान असीं गल्लबात कर रहे हैं तो जिवें आप जी नूं दस्सिया गया कि लाइसेंस जिहड़े कि नहीं उन्हां दे फेक प्रूफ हुए ने उस संबंध भी गल्लबात कर रहे हैं, हो सकता कोई वड्डा नैक्सस जिहड़ा साडे सामने आ जाए इन फ्यूचर ते साडी इह वी कोशिश हैगी है कि जिहड़े उस जिस इलाके दे रहिण वाले है अटारी दे रहिण वाले ने धनोई दे रहिण वाले ने उस इलाके दे विच जिहड़ी वी ड्रोन की ड्रॉपिंग हुई है कोई हैरोइन की ड्रॉपिंग हुई है उस संबंध में भी असीं गल्लबात करके ते फिर अगली गल तुहाडे सामने लियावांगे। अज जलंधर विच नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की टीम वालों स्थानक हांगकांग मार्केट में ड्रिल मशीन चला के नाजायज़ तौर उत्ते हुई उसारियों ढा दिता गया। खास गल यह है कि MTP नरेंद्र शर्मा की तरफों खुद ड्रिल मशीन चलाई गई। नरेंद्र शर्मा ने दसा कि कार्रवाई निगम कमिश्नर के हुक्म तहत की गई है। उन्हें कहा कि मार्केट वाले पहले ही नोटिस दिए जा चुके सन जिस तों बाद दुकाना सील कर दी गई सन पर इसके बावजूद नाजायज उसारी जारी रही जिस कारण कार्रवाई की गई है। ऐसे रिटायर्ड इंजीनियर गुरदयाल सिंह मार्केट कमेटी सुल्तानपुर लोधी के सबका चेयरमैन करमवीर सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन के जिला प्रधान कंवल नैन सिंह, मॉडल टाउन डडविंडी के प्रधान बलवंत सिंह उर्फ पप्पू, सुल्तानपुर लोधी तो जिला इंचार्ज गौरवती अदारा चढ़दी कला के दफ्तर में पहुंचे। इस मौके अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने उन्हों का स्वागत किया, उन्होंने किताब भेट करके सम्मानित किया। धन धन बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट भाई अमनदीप सिंह वालों विशेष अमृत वेला समागम अज तो आरंभ किए गए जिस विच भाई अमनदीप सिंह ने नाम सिमरन और कथा कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। भाई साहब ने दसा कि अमृत वेला समागम 16 जुलाई तक 40 दिन रोजाना दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल करवाए जा रहे हैं।
उन्हें कहा कि शहर तो आने वाली संगतों लिए बसा बीबी कौलां जी भलाई केंद्र अमृतसर तो चाटी पिंड चौंक गुरद्वारा शहीदां साहिब तो सवेरे 2 बजे चलनगियां। उन्होंने संगतों को बेनती की कि परिवारों समेत पहुँच के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त कर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सतसंग जी। आप जी दसद्या हो खुशी महसूस हो रही है कि अज 7 जून तो जो 40 दिन का अमृत वेले का समागम दत्तबंदी शोर पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहब विखे प्रारंभ हो गया। बेअंत संगतान ने दूरों नेड़ों आके अज हाजरिया भरिया गुरु पिता दुशियां लिया ने। मेरी सारी संगत के चरणों के सनेमर बेनती है जिन्होंने अजे तक आके हाजरी नहीं लवाई, आओ परिवार समेत रोजाना अमृत वेले 3 to 5:30 इस पावन पवित्र स्थान दत्तबंदी शोर पब्लिक स्कूल बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे आके जुड़ो और होरनों भी जुड़न की प्रेरणा करो। पंजाबी खबरों के बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारते हैं मौसम के हाल से। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। धन्यवाद।